राधे राधे, मेरा नाम मुन्नी झा है, मैं दिल्ली से आई हूँ, यहाँ पर आई हूँ। हम लोग बहुत सालों से यहाँ आ रही हूँ, अपने गुरु जी के साथ एंजॉय करती हूँ, कथा में बहुत आनंद आती है। जहाँ रहती हूँ वहाँ उनके साथ में हम लोग को कथा सुनने का बहुत मौका मिलती है, जो कथा सुनती हूँ अपनी गुरु के बदौलत। बाकी अभी यात्रा में हम लोग जा रहे हैं, आनंद आ रही है यात्रा में, बस के द्वारा जा रहे हैं, बस में कोई गर्मी नहीं, हम लोग इतनी आनंद ले रहे, भजन कीर्तन सब करते जा रही हूँ, आनंद आ रही है यहाँ पर आकर के अपनी गुरु के साथ में। अगल बगल जितने लोग हैं, देखने वाले सब देख रहे हैं जो क्या यहाँ हो रहा है, इतने लोग राधे राधे हम लोग को साथ में करते चले, झूमते गाते हम लोग चल रहे हैं। बहुत आनंद की वर्षा बरस रही है, कथा से लेकर के यहाँ पर ब्रज यात्रा में भी हम लोग को आनंद आ रही है, बहुत से बहुत आनंद आ रही है। जितने भक्त संत के साथ में हम लोग को दर्शन हो रही है, और बाकी आनंद के कोई कमी नहीं है, कोई सीमा नहीं है, जितने आनंद आ रही है। और गर्मी क्या देखना है, जब हमने कथा के लिए निकल गए, ब्रज यात्रा के निकल गए, तो गर्मी का कोई जरूरी नहीं है, इसमें गर्मी आ रही, बहुत आनंद आ रही है, कोई गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ रहा हम लोग के ऊपर, बहुत बहुत आनंद आ रही है। राधे 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 राधे। मैं लक्ष्मी गुजर, इंदौर MP से। हमारे श्री सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, जिनकी कृपा से हम ब्रज 84 कोस यात्रा में हैं, और बहुत आनंद आ रहा है, इसकी कुछ सीमा नहीं है जितना आनंद आ रहा है। बसों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा, और बहुत बहुत आनंद आ रहा है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। और हम तो 84 कोस यात्रा तो ठीक है, ब्रज दर्शन भी, ब्रज में भी कभी नहीं आ पाते, यदि हमारे सदगुरुदेव जी नहीं होते तो। उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम 84 कोस यात्रा कर रहे हैं। राधे राधे, मेरा नाम प्रेमलता प्रजापत है, मैं जयपुर से आई हूँ ब्रज 84 कोस की यात्रा में। मुझे यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाती हूँ, उठ के नहाना धोना, मंगला आरती करना, उसके बाद चाय नाश्ता करके हम ब्रज की 84 कोस की यात्रा में निकल जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन, भगवान ठाकुर जी के दर्शन करवाते हैं, जहाँ साधु संत के दर्शन होते हैं, हमें बहुत आनंद आता। हम बस में भजन करते कीर्तन करते हुए बहुत आनंद लेते हुए जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमारा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता, सुबह से शाम तक भक्तिमय बना रहता है। 4:30-5 बजे से हम भागवत कथा सुनते, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। राधे राधे।